Hello children of standard 9. Let us continue the question answer from act 3. अवतरण नंबर 2. ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। इस अवतरण से संबंधित प्रश्न का नंबर, उपर्युक्त कथन किसने तथा किस संदर्भ में कहा है? उत्तर, उपर्युक्त कथन का वक्ता बूंदीगढ़ का शासक राव हेमू है। राव हेमू के पास जब महाराणा लाखा का सेनापति मेवाड़ की अधीनता का प्रस्ताव लेकर आता है तो राव हेमू उसे यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह क्यों ना विदेशी शत्रुता हो या महाराणा लाखा, क्योंकि सभी राजपूतों को अपनी ताकत पर नाज है। खा नंबर, अभय सिंह का परिचय दीजिए, वह क्या संदेश लेकर आए हैं? अभय सिंह एक वीर साहसी योद्धा होने के साथ दूरदर्शी, एकता एवं अखंडता के पक्षधर है। उसका राष्ट्र प्रेम संकुचित ना होकर विस्तृत है। वे अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करते हैं। अपनी मातृभूमि को विदेशियों से बचाने के लिए वे अन्य राजपूतों से आपस में लड़ना बंद कर वे एक जुट होकर रहना चाहते हैं। उनका संदेश यह है कि राजपूतों की असंगठित तथा बिखरी हुई शक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए यह आवश्यक है कि वे मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करें, ताकि विदेशी ताकत का सामना मिलकर कर सकें। गा नंबर, वक्ता अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही है? सॉरी, वक्ता ने अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मांगने की बात कही है? उत्तर, वक्ता अर्थात हाड़ा वंशज राव हेमू ने अभय सिंह से कहा कि प्रेम का अनुशासन मानने के लिए हाड़ा वंश सदा से तैयार है, परंतु शक्ति का कदापि नहीं, क्योंकि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही वह किसी की सेवा करना पसंद करते हैं। घ नंबर, वह माला तो बनी हुई है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बूंदी के शासक राव हेमू हर राजपूत को वीर मानते हुए उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के पक्षधर हैं। वे खुद भी बूंदी को किसी के अधीन नहीं देख सकते। वे सोचते थे कि राजपूत अलग अलग रहकर भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वे एक दूसरे का सत्कार करते हैं तथा उनकी एकता की एक बड़ी कड़ी बन चुकी थी। अतः महाराणा लाखा राजपूतों को अपनी अधीनता स्वीकारने की बात कहकर उनके बीच एकता रूपी माला को तोड़ने की शुरुआत कर चुके हैं, जिससे दोनों जातियों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अवतरण नंबर 3, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस अवतरण से संबंधित प्रश्न का नंबर, उपर्युक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा है? उत्तर, उपर्युक्त कथन राव हेमू उदय सिंह से उस समय कहते हैं जब उन्हें चित्तौड़ के महाराणा द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार करने का संदेश दिया जाता है, क्योंकि उन्हें चित्तौड़ के अधीन काम करना बिल्कुल स्वीकार नहीं था। खा नंबर,
प्रेम के अनुशासन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रेम के अनुशासन में यहाँ राव हेमू का यह तात्पर्य है कि वह चित्तौड़ के साथ मिलकर काम करने को तैयार तो हैं, परंतु उनके अधीन रहकर वे उनका साथ नहीं दे सकते हैं। गा नंबर, मेवाड़ के महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों? उत्तर, मेवाड़ के महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे जब तक बूंदी के दुर्ग को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक वे अपना अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि निमरा के मैदान में उन्हें हड़ाओं द्वारा बुरी तरह पराजय मिली थी तथा उन्हें वहां से मैदान छोड़कर भागना पड़ा था, जिससे उनके नाम पर कलंक लग गया था। घा नंबर, महाराणा लाखा के अनुसार उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर इतिहास में कलंक का टीका किस प्रकार लगाया है? उत्तर, महाराणा लाखा के अनुसार बूंदीगढ़ जैसे छोटे से राज्य में कम संख्या में सैनिक होने के बावजूद उन्हें अपने सैनिकों समेत भागना पड़ा। वे उन वीरों के वंशज थे जिन्होंने रणभूमि से भागने की अपेक्षा वीर गति प्राप्त करना अधिक उचित समझा था। रण क्षेत्र से भागकर महाराणा लाखा ने मेवाड़ के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था। अवतरण नंबर 4, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह कैसी उपहासजनक बात है? इससे संबंधित प्रश्न है। का नंबर, वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। आंसर, वक्ता उपयुक्त कथन मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह से कहते हैं। महाराणा लाखा वीर देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी कि वे अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर उन्हें एक राष्ट्र या एक सूत्र में बांधे। खा नंबर, खाल मोटी होना का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? उत्तर, खाल मोटी होना अर्थात जिस पर किसी भी अपमान का कोई प्रभाव ना पड़ना। उपयुक्त कथन द्वारा महाराणा लाखा का यह कहना है कि जिनकी खाल मोटी होती है उनमें अपयस, कलंक, अपमान की भावना नहीं होती, अर्थात जिसका स्वाभिमान भर जाता है उसे ऐसी बातों का आभास नहीं होता है, क्योंकि वे निमरा के मैदान में बूंदियों द्वारा मिली पराजय से काफी भयभीत और व्यतीत हो चुके थे। गा नंबर, उपहास जनक बात का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपहास जनक बात का संबंध यहाँ महाराणा लाखा से संबंधित है। इतनी बड़ी पराजय तथा मैदान छोड़कर भागने के बाद भी उनका जीवित रहना है। उनका मानना है कि वे अपनी इज्जत को प्राणों से बढ़कर समझते हैं तथा उनके लिए पराजय का मुख देखना एक उपहासजनक बात है। घा नंबर, वक्ता अपने मस्तक से कलंक के किस टीके को किस प्रकार धो डालना चाहता है? उत्तर, निमरा के मैदान में हड़ाओं द्वारा चित्तौड़ की सेना की बुरी तरह पराजय होती है तथा महाराणा को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस तरह से उनके मस्तक पर कलंक का टीका लगा था, जिसे मिटाने हेतु वह बूंदी के किले को मिट्टी में मिला देना चाहता है। तो बच्चों, इस प्रश्नोत्तर के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में पुनः हम प्रश्नोत्तर जारी रखेंगे।